वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर में आपका सभी का स्वागत है। आज क्वेश्चन करने एसएससी सीजीएल टायर वन का स्लॉट 5 अगस्त में जो क्वेश्चन आता है, स्लॉट वन का जो क्वेश्चन आता है मेरे पास आया है क्वेश्चंस। उसके बाद मेरे फ्रेंड जीएस भी भेज रहे हैं, जितना भी जीएस का 20 क्वेश्चन वो भेज रहे हैं। पहले मैं मैथ करता हूँ, उसके बाद हम जीएस में जाएंगे, उसके बाद इंग्लिश में जाएंगे। अगर इसका लाइक मिला तो मैं इंग्लिश और जीएस का भी पोस्ट करूँगा। तो चलिए इसमें बिना देरी करते हुए हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस आया है एसएससी सीजीएल टायर वन में। एंड मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन बहुत ही ईजी है क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहा है एसएससी सीजीएल टायर में। 25-50 से 50 क्वेश्चन आराम से ले सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसा सब आया था, एक एक क्वेश्चन में बताता हूँ आपको, इसका सोल्यूशन भी मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा x+1/x=√3। पेन उठा लेता हूँ भाई। क्वेश्चन आया x+1/x=√3, देन फाइंड द वैल्यू x^2 + x^2 = 204 + x^2 = 48 + 1। इस क्वेश्चन में देखने ही क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर होगा, मैं बताता हूँ आपको, जीरो। बता देता हूँ इसका आंसर जीरो होगा। क्यों? देखिए मैं बोला आपको, बताया था कॉन्सेप्ट। देखिए जब भी x+1/x = √3 आएगा या फिर x+1/x² = 3 दिया होगा, सेम है ना, तो इसको भी x+1/x = √3 फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करेंगे। अब कुछ भी नहीं करना, अब इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसका टर्म आपको निकालना है, टर्म कितना है। देखिए अगर टर्म आपका नेगेटिव है तो आंसर 1 आएगा, अगर टर्म पॉजिटिव है तो आंसर 0 आएगा। देखिए इसमें टर्म कितना है, x^24 1 टर्म है, x^204 2 टर्म है, x^48 3 टर्म है, एंड 1/4 टर्म है, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। हमको मिला टर्म्स, टोटल टर्म हमारा 4 है, इन मीन्स पॉजिटिव, तो आंसर इक्वल टू 0। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, इफ AB+BC+CA = 0 देन फाइंड द वैल्यू 1/A². मैं आपको ये बता देता ऐसे क्वेश्चन, जब भी आपका सिमेट्रिक क्वेश्चन आएगा AB+BC+CA = 0, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर न्यूमरेटर में आपका 1 ही रहेगा, न्यूमरेटर आपका 1 रहेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 0। ओके, जब भी आपका न्यूमरेटर 1 ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, A=1 पुट कीजिए, B=-2 पुट कीजिए, C=2 पुट कीजिए, तो आंसर देखेंगे क्या होगा, आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट, इफ द इक्वेशन 2x²-7x+12 हैज 2 रूट्स। 2 रूट्स बताया आपको, अल्फा एंड बीटा होता है, अल्फा एंड बीटा होता है, 2 रूट्स होता है आपका अल्फा एंड बीटा, बट यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं होता, ए एंड बी दिया है 2 रूट्स। आपको पता है, बताना है A/B + B/A, तो A/B हमको बताना है A/B + B/A, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको आप इतना याद रखना है, जो अल्फा बीटा होता है, जब 2 रूट होता है तो 2 रूट का जो होता है अल्फा बीटा होता है, ये होता है आपका C/A, एंड अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -B/A। यहाँ से पुट कीजिए, यहाँ से आप कैल्शियम ले जाएंगे, ए बी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा A²+B², तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अल्फा एंड बीटा इतना ही रखिए, C/A होता है एंड B/A होता है, यहाँ से C/A एंड B/A निकाल के अल्फा बीटा भी निकालना है आपको। देखिए इफ x-1 और x+3 आर द 2 फैक्टर, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन में लिया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आया था। देखिए आप क्या करना है, इसमें x=1 पुट करना है एंड x=-3 पुट करना है, एंड उसके बाद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, आपको K1 K2 का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन आया था, sin θ + sin @+cos @= 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² इतना। आपको पता है जब भी रेसिप्रोकल आता है 2 होता है, आंसर इक्वल टू 2 होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था क्वेश्चन। चलो इफ sin θ + sin² = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, sin@ को यहाँ पे लिख दे sin² α, यहाँ पे आपको पुट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1 समथिंग। नेक्स्ट, इफ sin α + cos α / sin α - cos, आपको पता है जो मेरे को बताया था ये ऐसा आएगा, तो sin θ / cos θ आपका कितना हो जाएगा, 5 + 4 = 9/1 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से, tan θ = 9, देन tan θ = आपका P/B। ओके, P/B निकाल के आप h निकाल के यहाँ पे आपका वैल्यू पुट करना है, एक भी डायरेक्ट tan θ आप दे दिया है 9, tan²θ कितना होगा आपको बताना है। चलो नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स भी 6 cm / 3 cm, आपको पता है ट्रांसवर्स कॉमन से डिस्टेंस पूछा है, आपको पता है ट्रांसवर्स कॉमन सेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √ distance² - r1 + r2² यहाँ से आप पुट करके डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। चलो नेक्स्ट, द
देखिए क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है लेकिन ये क्वेश्चन आएगा, गारंटी मैं दे सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आराम से आएगा, जितना भी स्लॉट है आपका, अभी भी 44 स्लॉट है, इसमें क्वेश्चन आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन में बहुत हेड है, लेकिन 1 सेकंड लगेगा इसको करने में, 1 सेकंड। कैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 1 माइनस cos 20 प्लस cot 68 इंटू 1 प्लस cosec 22 प्लस tan 68। अब कुछ नहीं करना है, सभी एंगल को आपको सेम करना है, मीन्स cot 68 को आपको सब tan 22 में करना है, cosec 22 cot 22, तो हो जाएगा 1 माइनस sec 22 प्लस tan 22 इंटू 1 प्लस cosec 22 प्लस cot 22। देखिए हम सब एंगल को एक ही कर लिए, तो अभी कुछ भी करना है आपको, यहीं पे 22 आपको नहीं पुट करना है, आपको यहाँ पे 44 30 60 जो भी पुट करना है पुट कीजिए, आपका आंसर निकलेगा। चलो देखिए क्वेश्चन आया था अभी, मैं लिखा नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन आया था, एक सेकंड, हाँ, ए सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सॉर्ट ऑफ मनी, ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मनी फॉर ए सर्टेन ईयर इज लेस देन 20 50 रुपीज़ 40 रुपीज़। तो देखिए एक सिंपल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपका 5% एंड प्रिंसिपल माइनस SI आपको दिया है 250, टाइम पीरियड दिया है यहाँ पे 15 ईयर्स। यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकालना है, कितना इजी क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन आया था, ओके सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था, देखिए पी काम को 22 में करता है, क्यू इस काम को 24 डेज में करता है, आर उस काम को 30 डेज में करता है, एंड ओके बोला है पी प्लस क्यू प्लस आर दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किए, उसके बाद पी चला गया, उसके बाद क्यू प्लस आर, उसके बाद आर क्या, आर जो आर है ना, आर क्या सिक्स आर काम खत्म होने से 6 दिन पहले चला जाता है, आपको बताना है क्यू प्लस आर कितने, सॉरी कितने दिन में आपका काम खत्म होगा, ओके कितना इजी क्वेश्चन है आपको बताया, पी किस काम को 20 डेज में करता है, आर किस काम को 24 डेज में करता है, एंड क्यू उस काम को 30 डेज में करता है, तो उसके बाद क्या है पी प्लस क्यू 4 दिन काम किए, उसके बाद क्या एंड आर क्या किया ना, आर जो काम करता है वो 6 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, तो कितने दिन में काम खत्म होगा, एक क्वेश्चन आया था आप करिए बस। एंड देखिए इडियम आया था इंग्लिश में अंडर द क्लाउड बीट डिफेंस, बीट डिफेंस का मतलब है किसको इग्नोर करना, ये दोनों आया था, और भी इंग्लिश क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, दूसरे करूँगा, एंड मैं आपके बताता हूँ इस क्वेश्चन, एंड और भी मैं आप क्वेश्चन है बताता हूँ इसको। देखिए इस क्वेश्चन आया था ज्योमेट्री में, सर्कल है इसे यहाँ से अच्छे से बनाता हूँ मैं आपको, यस एक सर्कल है, इसे एक ट्रायंगल था सर्कल में, एक ये एंगल दिया था आपको समथिंग 42 दिया था, एंड ए एंगल आपको दिया था कुछ सॉरी ए एंगल आपको कुछ एक्स दिया था, एंड ए वाला वाई दिया था, ए वाला जेड दिया था, एंड ए वाला आपका 40 दिया था। आपको पता है मैं कितना इजी क्वेश्चन, देखिए ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर जो एंगल बना रहा है, तो ए भी अगर ये जितना होगा ए एंगल भी उतना होगा, एंड ए जितना होगा ए एंगल भी उतना होगा। अभी आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एंगल वैल्यू निकालना है, कितना इजी क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, फिर भी आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। ऐसा सर्कल था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ए एंगल दिया था आपको 42, ए एंगल दिया था आपको 40, ए एंगल एक्स, ए एंगल वाई, ए एंगल जेड, आपको पता ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है। आपको पता है कोई भी कॉर्ड के ऊपर अगर करेगा कुछ एंगल तो क्या करेगा, इसमें ए अगर 40 है मीन्स ए आपका 40 होगा, कॉर्ड के ऊपर अगर टेंजेंट एंगल क्रिएट करेगा तो ए अगर 40 है, ए अगर 40 रहेगा, ए 42 ए 42 आपका अभी आराम से आप निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन आया था आपका, बता देता हूँ आपको, ट्रायंगल था इसमें, एक ट्रायंगल था यहाँ से यहाँ तक तो कुछ था, यहाँ ए 90 डिग्री था, एंड आपको दिया था ए वाला एंगल 46, ए वाला एंगल आपको समथिंग 52 दिया था, एंड ए वाला आपको दिया है 32, एंड आपको ए एंगल निकालना है, कितना इजी है आप निकाल के मुझे बताएंगे, ए क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट
जीके का एक क्वेश्चन है, अगर मेरे पास जितना भी जीके का क्वेश्चन है, फोर्स का यूनिट क्या है आपको बताया नहीं, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एंड आपको एक नोबेल के ऊपर आया था जो बुक लिखे थे, एंड एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका बता दो, कौन सा क्वेश्चन आया था, वो आया था आपका करेंट अफेयर से। करेंट अफेयर से जो क्वेश्चन आया था मैं आपको बता देता हूँ, तीन क्वेश्चन आया था करेंट अफेयर से। क्वेश्चन एक आया था आपका, डॉक्टर बी सी राय, याद रखिए डॉक्टर बी सी राय नेशनल अवार्ड गिविन फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन द फील्ड ऑफ सोशियो मेडिकल फील्ड, किसको मिला था, डॉक्टर बी सी राय नेशनल अवार्ड 2016 में वो मिला था, डॉक्टर पी राघुराम, रघुराम को मिला था। ओके डॉक्टर पी राघुराम, रघुराम को। ओके एंड क्वेश्चन आपका आया था, बताता हूँ, बुक का आया था, हाँ ऑथर ऑफ द गोल्डन हाउस, गोल्डन हाउस ऑथर, गोल्डन हाउस बुक का ऑथर कौन है, सलमान, याद रखिए गोल्डन हाउस का सलमान रशदाई। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से चार क्वेश्चन आया था आज, एंड मॉडरेट लेवल का था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है जनरल एमएस में, बहुत रिपीट हो रहा है, प्रीवियस डाटा चेंज कर रहा है। तो मेरे पास जितना भी मैथ क्वेश्चन आएगा अभी, तो 15 क्वेश्चन आया था मेरे पास, जो कर लिया, अभी 5 क्वेश्चन आने वाला है, अभी आ रहा है मेरे पास, तो उसको भी मैं करके आपको दे दूंगा। ओके चलिए अपडेट रहिए क्वेश्चन आने के लिए, थैंक यू।